फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये ठंड यहाँ इतनी पड़ती है इसकी वजह से ये हमने बहुत दिनों से खोला नहीं है, तो इसके लिए ये हम बंद कर देते हैं तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं आती है हमारे घरों में। दोनों साइड से ये देखें, ये हमारे घर के नीचे का एरिया है, ये पार्किंग बनी हुई है इस टाइप से, और यहाँ हर पैटर्न में मकान होते हैं, और इसलिए क्योंकि यहाँ स्नो बहुत गिरता है, स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल होने के बाद जब वो स्नो उस पर ठहर ना जाए, और अगर जैसे कि वो पिघलता है तो उसकी पानी उस पर जमी ना रह जाए, तो इसकी वजह से। और इनके अंदर में कंस्ट्रक्शन में ये लकड़ी लगाते हैं, वुडन पहले इनकी सीलिंग हो या वॉल है, ये सारे पहले लकड़ी के बनते हैं, उसके ऊपर थर्माकोल लगाते हैं, उसके ऊपर से सीमेंट वगैरह लगाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैकशांस फ्रेंच डायरी, और मैं हूँ कैकशा खान। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ चलें पेरिस घूमने। होल पेरिस तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्ट्राइक चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो दोस्तों चलते हैं हम, ठीक है? देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो नीचे लैंड जिस पे काम हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक मकान बना हुआ था, बड़ा सा मकान। मकान को यहाँ पावियों बोलते हैं, वो बंगलो टाइप का मकान बना हुआ था, और यहाँ पे दूसरा एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो में ये आवाज आ रही हूँ क्योंकि ये काम कर रहे हैं ना बंदे, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी, लैंड इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये, क्योंकि इस पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ आपको दिख रहा है, तो जिसकी वजह से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो मैं आपको आगे वो बिल्डिंग दिखाना दिखाऊंगी, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ जो पेरिस में जितनी भी बिल्डिंग्स, जितने भी मकान बने हुए हैं ना, सारे इसी टाइप से हैं कि फ्रंट पोर्शन में नैरो है और बैक जाते हुए वो सारा ब्रॉड है। तो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मकान है, सारा कोई सारा कुछ ये ट्रायंगल ही शेप में, मतलब एक तरह से ये फ्रंट साइड ट्रायंगल नहीं हुआ, ये फोर एंगल ही है, बट एक पार्ट में बिल्कुल ही छोटा है, और नैरो है, और आगे जाके ब्रॉड है। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी क्योंकि मैंने आपको और भी पेरिस की और भी बिल्डिंग्स दिखाऊंगी, तो इसकी वजह से मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको ये खाली लैंड देखकर पता चल जाएगा कि हमारे जस्ट घर के नीचे का नीचे एक मकान था ये, तो इसे इन्होंने तोड़कर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये डोनेट किया हुआ ये है लैंड है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। ये एफिल टावर का टावर है। Continuez pendant un kilomètre. ये दोनों साइड से मकान है, बिल्डिंग है, और ये सामने भी हर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक ही सिस्टम से बना हुआ है, सामने पतला और आगे जाके चौड़ा ट्रायंगल शेप। ये नीचे शॉप है, ऊपर मकान है, ये फ्लावर्स के शॉप है फ्लोरिस्ट, और मुझे इस टाइप की बिल्डिंग देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये देखिए, जैसे सामने से ये पतला है, पीछे जाके चौड़ा है, चौड़ा चौड़ा टाइप का ट्राइंगल टाइप। पेरिस 15 है, तो दुकानें भी हैं और मकान भी है।
बाइक या स्कूटर बहुत कम देखने को मिलेगा। और ये देखिए, मुझे ये इस टाइप की बिल्डिंग मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है ये एटीएम, और शाम का टाइम होता तो मैं आपको दिखाती यहाँ की सजावट, जो क्रिसमस के लिए सजावट हो गई है। तो मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी के अंदर से ये बना रही हूँ वीडियो। मैं थोड़ी सी बड़ी करूँ, होटल एफिल कैनेडी, क्योंकि ये पास में एफिल टावर है ना, इसके लिए इस होटल का नाम ही होटल एफिल बना दिया है। तो ये देखें, ये देख सकते हो आप एफिल टावर। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबसे पहले यहाँ फ्रांस में ही बना, आई मीन पेरिस में ही बना है। यहाँ पेरिस गवर्नमेंट ने उनको अमेरिका को गिफ्ट में दिया, तो वो आज अमेरिका का इतना बड़ा सिंबल बन गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये बहुत ही मेन चीज है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अमेरिका का जो ट्रेडमार्क है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो फ्रांस की ही गिफ्ट है। तो ये आप देख सकते हो, एक मिनट, तो यस ये इसका बैक साइड से हम यहाँ बैक साइड से क्रॉस कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके एक हाथ में बुक्स है और एक हाथ में टॉर्च है, तो ये हम बैक साइड से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए बैक साइड से फोटो लिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि कितने टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि गाइड जो होते हैं वो हर चीज़ नहीं दिखाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ तो दिखाएंगे नहीं, ये जनरल सी बात भी है। और वो अपने बजट के हिसाब से आते हैं, तो वो जितना बजट देते हैं उसी हिसाब से ही वो कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ताकि आप कभी आओ, अगर कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है पेरिस आने में घूमने में, तो वो पर्टिकुलर अपने गाइड को ये बता सकें कि मुझे ये जगह देखना है और ये चीज़ देखनी है, तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब यूएस गई तो न्यूयॉर्क तो गई नहीं थी, जहाँ कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख पाती, लेकिन मैं यहाँ पेरिस में ही देखकर खुश हो जाती हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं, हाँ यस यस, नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी यूएस फिर से, तो फिर मैं इस दफ़ा तो न्यूयॉर्क ज़रूर जाऊँगी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूंगी कि हमारे फ्रांस गवर्नमेंट ने कैसा गिफ्ट दिया था। हाँ जी, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों फ्रांस ने यूएस को दिया, इसलिए क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिकन ने यहाँ फ्रांस के अंदर घुस के जितने भी जर्मनी को यहाँ से निकाला, फ्रांस से निकाला और फ्रांस को उससे आज़ाद कराया, तो ये फ्रांस ने खुश होकर इन्हें अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया। तो इसीलिए उन्होंने फिर ट्रेडमार्क अपना, अपने कंट्री का ट्रेडमार्क बना दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये इस टाइप की हिस्ट्री बहुत कम लोगों को, हर बंदे को नहीं पता होता है, बस जो पढ़ते हैं, जो जो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बस उन्हें ही मालूम होता है। तो आज मैंने आप सबको बता दिया, आपको भी पता हो गया। ओके।
हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिए, ये है गैलरी लाफायत लिखा हुआ होगा। ये एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी इन द सेंस की बहुत बड़ी ब्रांड है गैलरी लाफायत। तो इसमें बहुत सारे, ये ब्रांड नहीं है, ये एक शॉप का मार्क है, मगर इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड भी मिलती है, सबको बहुत ही कॉस्टली। एक टी शर्ट भी आप लेने जाओगे ना तो 500 यूरो से कम में नहीं मिलता है। जा रहे हैं, ये हम जहाँ आए हैं जगह, अभी ऊपर जाएंगे। हाँ, मैंने ये बिल्डिंग के अंदर हम आ गए हैं, तो आप ये देखिए दोस्तों, मजा आ रहा है ये मुझे आईफिल टावर देखकर। मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। और ठीक है, फिर हम चलते हैं घर की तरफ। ओके, देखिए ये ठंड के दिनों में सारे पेड़ से ना सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अभी कुछ कुछ पत्ते लगे हुए हैं, वैसे अभी ये सारे झड़ जाएंगे। और ये देखिए, और ये देखिए, ये नहर है, लेक, और इसमें अंदर बोट है, बोट में रेस्टोरेंट वगैरह भी है। के बारे में बता। तो देखिए ये जो लेक है ना, लेक जा रहा है और बीच में बोट है, वो इतना बड़ा सा जो दिख रहा है ना, बोट है। तो ये पूरी पेरिस हमको इसी बोट में घूम सकते हैं और घूमते हैं, तो बहुत मजा आता है। और ये देखे हैं, ये बिल्डिंग है, और आपको ये एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ छोटी 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 बिल्कुल यहाँ जितनी लाइन से दुकानें हैं, बहुत छोटी छोटी, जो कि लाइब्रेरी है बहुत जमाने से, 1700 और उसके भी पहले का है। इतनी 10-12 मंजिल के देखिए दोस्तों, ये जो सामने स्क्रीन दिख रहा है ना, ये हर थोड़ी दूर में स्ट्रीट पे लगा हुआ है। ये हमें इंडिकेट करता है कि कितना किलोमीटर, वो पर्टिकुलर रास्ते का बताता है कि यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो कितने मिनट में हम पहुंच तय कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पोक द ऑलियंस लिखा हुआ है 15 मिनट में, और नीचे पोक द बरसी लिखा हुआ है 37 मिनट पे। तो ये हर जगह जगह पे लगा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी कोई हेल्थ टिप्स या ब्यूटी टिप्स पे, या फिर ऐसे ही कहीं घूमने के लिए चलेंगे। ओके, तो फिर तब तक ले, बाय बाय।